वहाँ पे लगाइए। इधर उधर करते करते सब तरह का काम बहुत जरूरी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव नम्य फाउंडेशन के द्वारा। मैं आपके माध्यम से बस जमशेदपुर के लोगों के से यही कहना चाहूँगा कि जो भी कोरोना को डिफीट कर चुके हैं वो प्लीज़ यहाँ आए और प्लाज्मा डोनेट करें और जमशेदपुर के वासियों को मदद करें। अभी तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, अभी मैं फर्स्ट डे आ रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं कोशिश करूँगा कि और अपडेट लेता रहूँ इन सबसे और अवेयरनेस फैलाता रहूँ जमशेदपुर में। सर, ये कोरोना काल में किस तरह का अपील करना चाहते हैं? बस सबको यही बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, सब अपने घर में रहे और अगर निकल रहे तो मास्क पहन के निकले और वैक्सीनेशन जहाँ पर भी अवेलेबल है जाके ले और सैनिटाइज करते रहे, यही अपील करूँगा। होपफुली मेरे को लगता है कि अभी जैसे जैसे धीरे धीरे केसेस कम होते जा रहे हैं, होपफुली 27 तक हमारा लॉकडाउन है, होपफुली तब तक सबसाइड कर जाए सब कुछ और हम लोग वापस से नॉर्मल लाइफ जल्दी से जिए। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।